वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो ऑफ रविग तो आज के इस वीडियो में हम एनपीओ के दो नए स्पेशल आइटम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सेल एंड परचेज ऑफ ओल्ड न्यूज एंड मैगज़ीन्स और दूसरा गवर्नमेंट ग्रांट तो हम लोग इसका मीनिंग सीखेंगे और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे आप हमारे साथ बने रहे और सीखते जाए एन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि ग्रुप ऑफ पीपल और जहां पे ग्रुप ऑफ पीपल होंगे वहां बातें होंगी और बातें करने का एक सबसे अच्छा जरिया होता है न्यूज़पेपर और मैगज़ीन्स तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हर तरह के लोग होते हैं कोई बंगाली समझता है कोई हिंदी समझता है कोई इंग्लिश समझता है कोई उर्दू कोई मराठी और भी बहुत कुछ तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक छोटा सा खर्चा न्यूज़ पेपर्स और मैगजीन्स में रूटीन वे में जाता है तो जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना एक्सपेंसेस न्यूज पेपर और मैगजीन्स पे करे तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे सर वो न्यूज़ पेपर और मैगजीन्स को हमें कभी कभी मंथली या फिर क्वार्टरली बेच के कुछ कुछ इनकम भी रद्दी के तौर पर स्क्रैप के तौर पर बेच के इनकम भी आता है तो सर उसका ट्रीटमेंट क्या करें इन दोनों बातों को हम सीखेंगे तो सबसे पहली बात कि जब भी आप ओल्ड न्यूज़पेपर और मैगजीन्स को परचेज करोगे

अब बात आती है कि हम इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कहां शो करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम इसे क्रेडिट साइड दैट इज पेमेंट साइड ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इसे रेवेन्यू आइटम की तरह

ओल्ड पुराने न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन्स को सेल करोगे तो वो एक इनकम का सोर्स है किसके लिए एनपीओ के लिए तो अब बात आती है ये किस तरह का इनकम है तो ये एक तरह का रेवेन्यू नेचर का इनकम है जो कि क्योंकि जो रेगुलरली एनपीओ को होते रहता है तो अब बात आती है कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे तो जैसे भी आप न्यूज़पेपर को सेल करते हैं मतलब कि पैसा आता है जैसे पैसा आता है तो आप रिसिप्ट एंड पेमेंट के कौन से साइड में लिखेंगे इस बार आप बताओ सर डेबिट साइड ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अब इस पैसे को हम रेवेन्यू आइटम ट्रीट करते हैं डेट इज इसको हम इनकम की तरह ट्रीट करेंगे और हम इसे क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड डेट इज इनकम साइड इसे लिखेंगे और नो एंट्री इन द बैलेंस शीट बैलेंस शीट में इसका कोई एंट्री नहीं होगा क्योंकि ये एक तरह का इनकम है रेवेन्यू तो अभी तक हमने देखा सेल एंड परचेज ऑफ ओल्ड न्यूज एंड मैगजीन अब देखते हैं गवर्नमेंट ग्रांट क्या होता है जब भी गवर्नमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को करती करती है करती है हेल्प उसके ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करने में तो उसे डोनेशन है बोलते हैं. तो तो अब यह गवर्नमेंट ग्रांट दो टाइप का हो सकता है स्पेसिफिक ग्रांट और जनरल ग्रांट स्पेसिफिक ग्रांट यह बिल्कुल डोनेशन जैसा ही है जब गवर्नमेंट किसी भी ग्रांट को आपको डोनेशन देते समय ग्रांट देते समय रीजन स्पेसिफाई कर दे पर्पस स्पेसिफाई कर दे तो हम उसे क्या बोलेंगे स्पेसिफिक गवर्नमेंट सिंपल है जब भी आपको स्पेसिफिक ग्रांट मिलता है एक रीजन स्पेसिफाइड करके कोई भी ग्रांट मिलता है तो जैसे मिलेगा पैसा मिला तो हम उसे रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट साइड रिसिप्ट एंड साइड लिखेंगे और जिस ग्रांट में पर्पस हो उस ग्रांट को हम क्या करेंगे कैपिटलाइज करेंगे एडेड टू द कैपिटल करेक्ट ये बात हो गई अब आते हैं जनरल ग्रांट जनरल ग्रांट जैसे आपको ग्रांट मिलेगा गवर्नमेंट से तो आप उसे क्या करोगे रिसीव करोगे पैसा आया तो उसको हम लिख देंगे डेबिट साइड ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट उसके बाद अब हम इसे इनकम की तरह ट्रीट करेंगे क्योंकि यहां पे गवर्नमेंट ने हमें डोनेशन दिया ग्रांट दिया और रीजन स्पेसिफाइड नहीं किया हम चाहे तो किसी भी पर्पस के लिए इस डोनेशन को इस ग्रांट को यूज कर सकते हैं तो इसीलिए हम यहां पे इस ग्रांट को इनकम की तरह ट्रीट करेंगे दैट इज क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज इनकम साइड हम इसको रिकॉर्ड करेंगे और बैलेंस शीट में इसका कोई जगह नहीं है क्योंकि इनकम है थैंक यू स्टूडेंट्स